हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। तो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी का डिफरेंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आई बिलीव इससे पहले जो हमने एक सेशन कवर अप किया है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच का बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, आपने उस सेशन को कवर अप कर लिया है। तो आज के सेशन में इन डिफरेंसेस को हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे, और जो ये कंटेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। लाइक हम मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, एजम्पशन, रैशनली, थ्योरीज, इकोनॉमिस्ट कौन है, और एग्जांपल, बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल क्या होगा हमारे इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर। तो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, इसकी ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि ये कॉन्सेप्ट परमानेंटली आपके माइंड में सेटल हो जाए। कार्डिनल को हम एक वर्ड से डिवाइड कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं कार्ड्स। अब कार्ड्स को बहुत ही ईजी फॉर्म में काउंट कर सकते हो, ठीक है? तो हम इस अप्रोच को रखेंगे कि काउंटेबल थिंग है, कार्ड्स हैं, हम जिसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे कार्डिनल अप्रोच। तो बेसिक जो मीनिंग है कार्डिनल अप्रोच की, ये एज्यूम करता है कि जो यूटिलिटी है, ठीक है, यूटिलिटी यानी जो ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करती है, जो पावर है कॉमोडिटी का या सर्विस का जो ह्यूमन वॉन्ट को सेटिस्फाई करती है, वो यूटिलिटी को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन को, जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल आता है हमें, चाहे हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यहीं पे अगर हम ऑर्डिनल की बात करें तो ये कार्डिनल से अपोजिट वर्क करता है, जो ये बोलता है कि भाई सेटिस्फैक्शन को, हम किसी भी कॉमोडिटी को या गुड्स को अगर कंज्यूम कर रहे हैं, उसे नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसे नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए ऑर्डिनल अप्रोच को ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये सिक्वेंसिंग में प्लेस करता है। तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि भाई ये कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है। एजम्पशंस क्या रखा, कार्डिनल अप्रोच जो कार्ड्स हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसे बोला वो एक मेजरेबल है, क्वान्टिफाइबल है, उसे काउंट किया जा सकता है, वो नंबर्स में एक्सप्रेस होते हैं। और यही ऑर्डिनल अप्रोच की अगर बात करें तो वो नॉन क्वांटिफाइबल है, जिसे नंबर्स में काउंट नहीं किया जा सकता, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता हमारी यूटिलिटी को, कि हमें किससे कितना सेटिस्फैक्शन, किस गुड से, किस सर्विसेज से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हम देखने वाले हैं वो है रैशनली के बीच में। कार्डिनल अप्रोच अगर जो मेंशन करता है कि भाई जो ह्यूमन का एक्सपेक्टेशन है उसे मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल है। कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो डिटरमाइन करता है कि भाई कस्टमर को कितना सेटिस्फैक्शन उस पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे हो रहा है, ठीक है? और यही अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ये बोल रहे भाई ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसे मॉनेटरी टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसे हम क्वान्टिफाई भी नहीं कर सकते। दोनों बिल्कुल रिवर्स साइकोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच की बात की जाए तो उसके अंदर दो थ्योरीज आती हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरीज को हम कार्डिनल अप्रोच के अंदर कंसिडर करते हैं, जहाँ पे हम इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच की अगर बात करें तो वहाँ पे इनडिफरेंस कर्व अप्रोच है, जो कि कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस को फोकस करता है, जिसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इन थ्योरीज पे फोकस किया? तो कार्डिनल अप्रोच की अगर बात करें तो एल्फर्ट मार्शल, और अगर ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो हिक्स एंड एलन ने इस थ्योरी पे जो है काफ़ी एम्फसिस किया है। और इन थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इन थ्योरीज को कवर अप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूँगी, वो स्ट्रैटेजी आपको ऑप्ट करनी कि अगर आपने पहले कार्डिनल को कॉन्सेप्ट में रखा है माइंड में और सेकेंड नंबर पर ऑर्डिनल को रखा है, तो सेम सीक्वेंस में आपको रिवीजन करना है और सेम सीक्वेंस में आपको अपने आंसर राइटिंग या केस स्टडीज या प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना है। आप इसको स्विच ना करें, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि अगर आप सेम सीक्वेंस को अप्लाई करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबे समय तक और इवन परमानेंटली आपके माइंड में सेटल हो जाता है। तो हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और इनकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ईज रखना है, ठीक है? तो हमने देखा कि ये जो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच है उसके इकोनॉमिक्स को हमने अंडरस्टैंड किया। तो एग्जाम्पल अगर हम अंडरस्टैंड करें तो कार्डिनल को, जिसे हमें बोला कि इसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो हमने ये देखा कि भाई हमें किस क्वांटिटी से, किस गुड से, किस सर्विस से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है।
तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने कि भाई पिज्जा है जिसे 80 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन बर्गर से 40 यूनिट्स मिल रहा है। इसे हमने क्वांटिफाई किया है, इसे हमने नंबर्स में एक्सप्रेस किया है। लेकिन अगर यही ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो वो हमें बोले कि भाई एक्स प्रोडक्ट से ज्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है या एक्स प्रोडक्ट हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू द वाई प्रोडक्ट। तो इसे हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, इसे हम सिर्फ वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कार्डिनल जो अप्रोच है वो सेटिस्फैक्शन बता रहा है मेरी गुड्स या सर्विसेज के प्रति, जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू से सपोर्ट दिया जा रहा है। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच में जो सेटिस्फैक्शन की बात करिए वो रैंक कर रहा है कि भाई इससे ज्यादा अच्छा ये है या नंबर वन पे हम इसे प्रायोरिटी दे सकते हैं, उसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कार्डिनल और ऑर्डिनल जो है, अगर हम उसे कैलकुलेशन करें हम देखें तो कार्डिनल को हम यूनिट्स में डिफाइन कर पा रहे हैं कि भाई जो ये यूनिट्स है या यूटिल्स है उस फॉर्म में हम कार्डिनल अप्रोच को स्टडी कर सकते हैं। बट यही अगर हम ऑर्डिनल की बात करें तो उसे हम रैंक दे रहे हैं, प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर रहे हैं हमारी गुड्स या सर्विसेज का। ठीक है, तो अगर हम कॉन्क्लूजन ड्रॉ करें तो कार्डिनल जो हमारा अप्रोच है वो एक ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ऑर्डिनल जो है हमारा वो सब्जेक्टिव थ्योरी फॉर्म हमारे सामने लेकर के आता है, और जो कार्डिनल है ठीक है अप्रोच है वो रियलिस्टिक नहीं दिखता। आप कैसे क्वांटिफाई कर सकते हो, कैसे उसको नंबर्स दे सकते हो, तो ये हमें रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है ना। और अगर हम देखें तो ये काफ़ी हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है, और जो हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है वो हमारी लेटेस्ट थ्योरी है। तो हमने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, दो इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी थ्योरीज को कवर अप किया आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, जहाँ पे हमने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी के डिफरेंसेस को काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया। इकोनॉमिक्स के और भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको कंटेंट हिंदी और इंग्लिश, ये देखिए आप दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। आप इन कंटेंट का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, इनको अपने रिवीजन के लिए और अपने वैल्यू एडेड नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, कई सारे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट हैं, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और कम्युनिटी जो है आपके यूट्यूब की कम्युनिटी है इकोनॉमिक्स की, जो आप उसमें रिफर करके आपको सारे चैप्टर्स एक वन प्लेस पे मिल जाएंगे, उनकी लिंक्स आपको एक प्लेस पे मिल जाएगी, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और अगर 0.1% भी आपको इस सेशन से वैल्यू एडिशन दिया है तो सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे साथ और क्वेरीज आए और हम उन क्वेरीज को ऐसे ही सॉल्व करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।